आपको बताते चले कि क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम अहलादपुर के कन्या प्राथमिक विद्यालय में चकबंदी की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अहलादपुर में हुई चकबंदी को देखते हुए किसानों में काफी आक्रोश था। किसान नेता शैलेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा सरकार के किसानों के साथ भेदभाव हो रहा है, जिसको देखते हुए किसानों के चकों का बंदरवाट किया गया, जबकि चकबंदी का मतलब होता है कि किसानों के बिखरे पड़े चकों को एक करना। करैल से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट, एसकेएच न्यूज। मुझे उम्मीद है योगी सरकार से तो वो किसानों की समस्याओं को सुनेंगे, और ये भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने रुपए लेकर के चकबंदी को लेसनेस किया है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। देखिए, ये बराम डिस्ट्रिक्ट मानपुर की कस्बा करैल जो तहसील भी है और मौजा अहलादपुर के किसान हैं जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, बता रहे हैं ये चकबंदी में धांधली है, चकबंदी रोकी जाए, और संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से भी शिकायत कर रहे हैं, शायद रिश्वत मामला संज्ञान में आ रहा है।